So, चलो चलते हैं दिखाती आपको सब चीज़ फाइनली हम लोग पहुँच चुके थे एडवाइस के इवेंट में जिसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आने वाली थी यहाँ पे इतने सारे बोर्ड लगे हुए थे फिर उसके बाद हम लोगों को भेज दिया था ब्रेकफास्ट करने के लिए जैसे सबसे पहले था सूप फिर था वड़ा एंड पाव भाजी और फिर आगे सैंडविचेस विद केक और साइड थी कॉफी वगैरह चाय वगैरह ले सकते हो तो ये मैंने फाइनली सजा लिया था इट्स टाइम टू टेस्ट द फूड सैंडविचेज़ वॉज़ वेरी गुड फ्रेश थे अच्छे थे बाई ऑब्वियसली बात है फाइव स्टार होटल का खाना तो अच्छा ही होगा द <laughs> पार्क ये इसका नाम था मैंने ली थी ब्राउन शुगर एंड मैंने ट्राई करा ये केक विच वॉज़ वेरी 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 टेस्टी एंड फ्रेश अच्छी तरह बेक करा हुआ था फिर उसके बाद मैंने ट्राई करी है कॉफ़ी जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी अच्छी लग रही थी तो खाना ओवरऑल बहुत अच्छा था फिर मैं अपनी सीट पे आके वापस बैठ गई एंड मेरे को मिली थी टॉरेंस यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया एंड ये पूरा यहाँ पर सब लोग बैठ चुके थे धीरे धीरे आ रहे थे मेरी डेलीगेट आ चुकी थी इन्होंने पूरा सेटअप अपना कर लिया था एंड शी इज़ माई डेलीकेट और फिर धीरे धीरे सबके और लोगों के डेलीगेट्स आ रहे थे जो कि पूरे बताते सब लोगों का इन्फॉमेशन देते बच्चे वगैरह को फिर उसके बाद डेलीगेट के लिए सैंडविचेस आ गए थे एंड ये हम भी खा सकते हैं और इसमें कॉफ़ी और चाय मिली थी फिर धीरे धीरे करके बच्चे भी आ रहे थे अपना सारा काम करा रहे थे उनके पेरेंट्स आ रहे थे अपने पेरेंट्स के संग थे कुछ वो अकेले थे एंड दिस इज मी कोई इस फिर दूसरी लड़की आई सब अपनी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आते हैं बेसिकली कि वहाँ पे वो बाहर पढ़ा सकते हैं ऐसे भैया सबको पानी सर्व कर रहे थे हाथे तो पूरी होती है गाय तो अब हमारी जली गेट खाना खाने के लिए गई हैं उसके बाद फिर हमें खाना खाने को मिलेगा सब टेली के बाद मुझे मिला खाना खाने को सबसे पहले थे चावल दही बड़ा किमची और इसमें काफ़ी सारे सलाद में वैरायटी थी कॉर्स वगैरह सब चीज़ था बहुत अच्छा था फिर उसके बाद दाल मखनी थी पनीर था मखाने की सब्जी थी और ये वी वेजिटेबल्स में सारी वेजिटेबल सूप था चाउमीन था और ये पूरा अलग सूप बना रखा था नान थी मसी रोटी थी और ये नॉन भी था एंड दिस इज़ माई थाली मैंने सेलेक्टेड आइटम लिए दाल मखनी वगैरह नहीं ली तो चलो टेस्ट करते हैं कैसा था खाना एग्जैक्टली एंड सबसे पहले मैंने ट्राई करा नॉर्मल नान के संग पनीर मैंने दाल मखनी ले ही नहीं, नहीं और मेरा मन भी नहीं था कुछ और नॉनवेज में खाती नहीं तो मैंने खाया तो इट वॉज़ वेरी अच्छा वेरी टेस्टी बिकॉज़ इन्होंने uh, अच्छे तरह मसाले वसाले सब चीज़ डाल रखा था और सूप वॉज़ वेरी नाइस बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने ब्लेंड कर रखा था एंड सारी सब्जियाँ थी इसमें इतनी सारी वेराइटी स्पिनच वगैरह सब चीज़ डाल रखा था ये पापड़ था एज अ सलाद और प्रॉपर वाले पापड़ भी थे ये छोटी छोटी मछलियाँ को पतला पतला बना के करते हैं किमची बहुत अच्छी थी खट्टी खट्टी थी तो बहुत ही अच्छा था फिर मीठे में चलते हैं गुलाब जामुन पेस्ट्रीज एंड दर्शन विद आइसक्रीम तो मैंने ये सब ले लिया था एंड चलो इसे ट्राई करते हैं भाई पेस्ट्री ऐसे कटरी थी ना लिटरली बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी गुलाब जामुन मेरे को हर जगह का पसंद नहीं आता बट यहाँ का बहुत 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 अच्छा था सच में यार ऐसा लग रहा था बिल्कुल कि बस खाते जाओ खाते जाओ बट पेट इतना अलाव नहीं कर रहा था <laughs> तो इसलिए हमें रुकना पड़ा ऑब्वियस ही बात है रुकना तो पड़ेगा ही फिर उसके बाद मैं वापस आ गई अपने वर्क पर एंड सारे पेरेंट्स वगैरह काम कर रहे थे आ रहे थे पूछ रहे थे अपने क्वेरीज फिर उसके बाद हमें मिला स्नैक्स इसमें थे कॉफ़ी और ये मिक्स वाले पकौड़ियाँ थी फिर उसके बाद ये वाला सामान ऑलरेडी शिफ्टअप हो चुका था हमारा हमारा पाँच बज गए थे तो सारा पैकअप होना शुरू हो गया था बाहर का एरिया अभी यहाँ पे इवेंट वग़ैरह भी ऑर्गेनाइज़ करा सकते हो बर्थडे पार्टीज़ वगैरह या एंगेजमेंट वगैरह इनका नीचे का सेटअप था पूरा एंड ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर था